इधर सबको बोला, मैंने कहा चले उधर, मुझे लगता है कोई हमारा ना कोई नसीब उधर बचा हुआ है। तो मैंने कहा क्या, मैंने कहा चलो तो सही यार, आ गए तो देखो आ गया नसीब। हाँ जी, ये बात है। तो जिद करने वाली जिद करके बैठ जाए कि शाम तक हम खाते रहे। मां बेटियां जी हम दोनों को भाभी कहेंगे। सही है, हम तो दोनों को भाभी कहेंगे। सौराज्यवात्रा इन दोनों को भाई कहेंगे, भाई कहते हैं। अफजल भाई, अहमद भाई और सबा भाभी, इनका नाम भी अफजल भाभी का, रुखसाना भाभी। ये जी भाई पट्टी उतार रहे हैं उंगली से, ये देखें ये जो टांके लगे हुए हैं ना ऊपर, एक दो तीन चार पाँच छः टांके। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जब मेरा खुश रहा बात ना फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहे। तो सुबह सुबह का टाइम है जी, बेगम सभा बना रही है जी नाश्ता। आज बच्चों ने जाना है स्कूल, क्योंकि ईद के बाद आज पहला दिन स्कूल जा रहे हैं बच्चे हमाद, रेहान और मनाहिल। तो रेहान ने जी आज जाना है एक चक 1P में, जहाँ पे इसका बड़ा भाई पढ़ता है, इधर आए तो जहाँ पे हम आदमल पढ़ता है चक 1P में। आज न्यू स्कूल में इसने जी एडमिट होना है, तो उधर मैं स्कूल लेके जाऊँगा और मनाहिल को भी लेके जाना है। मनाहिल को लेके जाएगी इसकी मामा, इसको मैं एडमिट करा के आऊँगा, तो मनाहिल को इसकी मामा एडमिट करा के आएगी। तो चलते हैं आगे, तो चलें जी नाश्ता बन रहा है, आ जाए नाश्ता करें, हाथ मुँह धोएं अपने यूनिफॉर्म वगैरह। अस्सलाम वालेकुम बेगम, क्या हाल है? माशाल्लाह जी, वेलकम है जी आपको न्यू किचन में। तो किचन में जी खाना शाना बना रही बेगम, इधर चाय बन रही है साथ में, रोटियां बन रही हैं। ये ठीक है ऐसे या होना चाहिए इधर कुछ ऊपर, ऐसे ऊपर नहीं करनी इसको? अच्छा चलो, ये देख जी माशाल्लाह सुफैद सुफैद। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भैया, क्या हाल चाल है? हम ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी ठीक हो, जा रहे हैं खुश रहें, फूलों की तरह मुस्कुराते रहे। छुट्टी हो गई है ख़त्म, तो बच्चों का स्कूल जाना शुरू कर दिया आज पहला दिन है बच्चों का। ईद कल जाना था बच्चों ने, कल शादी पे गए थे, तो आज माशाल्लाह बच्चों की रूटीन के मुताबिक स्कूल जाना शुरू हो गए हैं बच्चे। लाल को भी दाखिल करवा के आना है और रिहान को भी, वहाँ तो पहले 1P में दाखिल है। तो बनाए जाती मैंने कहा बनाया जाएगा पहले जो स्कूल में पढ़ती है आप वहाँ 5वीं तक पढ़ ले। तो बनाया कहती नहीं जी मैंने उधर ही जाना है, 1P में जाना है, मैंने इधर नहीं पढ़ना। तो उसको भी लेके जा रहे हैं, मेरे गर्मी बहुत होती है तो गर्मी में आप थक जाओगी आते जाते, कहती नहीं जी मैंने उधर ही जाना है। तो अब इसको भी उधर दाखिल करवा के आना है, हमारे रिहान को भी, रिहान को तो मैंने करवाना ही था। ये इधर मेरे टीचर ही पढ़ाती है तो ये पढ़ता नहीं है, टीचरों से डरता नहीं है ये। उधर एक तक में सर पढ़ाते हैं, मास्टर पढ़ाते हैं, तो उनसे ये डरेगा और पढ़ेगा भी। ये माशाल्लाह जहीन बहुत है तो ये पढ़ाई के वक्त तवज्जो नहीं करता, तो इसलिए मैंने इसको इधर से निकाला स्कूल से, उधर दाखिल करवाना। मैं बाहर बन गई आ गया इधर नमूना ये किसका बिस्किट चले ना है। उठो उठो हेले भैया ये दो ना। तो आज जी हम बहुत बड़ी कबड्डी शुरू हो जाएगी, आगे जी मुन्ना है और इधर मम्मा, मामा जा रही है मामा गए, कबड्डी शुरू नहीं की आपने। पापा आए हैं, गाड़ी भी अभी साफ करनी है, काम अभी बहुत है, दाखला भी करवाने जाने हैं न्यू स्कूल में। चाय हमारी बन चुकी है, मेरा पराठा भी बन गया, खिलाड़े पड़े हुए हैं, किसने इकट्ठे किए नहीं है, ये पका कंबल और ये मच्छरदानी पड़ी हुई है, देखना हूँ सारा। नार की साइकिल पंचर हुई है, इसमें भी पंचर लगवा कर लाना है, मनाल जाएगी इस पर स्कूल एक दो दिन। फिर यही हमारी कटो मोटो कटो ऑटो सारी अंदर है, नाम आते नहीं है इनके, सारी अंदर है ना। चलो अच्छा ठीक है, हाँ बाद में छोड़ता हूँ आपको, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ।
आप भी ठीक होंगे। सुबह सुबह का जी टाइम है। रेहान भाई पहले बिस्कुट खाने लगे और सब रोटी के साथ नाश्ता कर रहे हैं। और ये नवाब इसने अपनी रात को चीजें ली थी वो खा रहा है। और बाबा भी रोटी खा रहे हैं, सालन पराठा सालन के साथ खा रहे हैं। आज मेरा और रेहान भाई का दाखला कराने जाने हैं। नवाज भाई ने लाइन कर ले जाने, हाँ जी बुके जमा कराने जाना है। देखते हैं बुके न्यू मिलती है या नहीं। ये पुरानी बुक्स जमा कराएंगे फिर इनको न्यू बुक्स मिलेगी। इनका एडमिट हो जाएगा तो इनको बुक्स मिल जाएंगे। आप जाएंगे आज इनको एडमिट कराने? दीवार को बना दी इधर ही पढ़ लो, बना रही बार बार कह रही है। आप इधर ही बने अभी पांचवी क्लास तक इधर पढ़ ले, पांचवी के बाद आपको उधर एडमिट करा देंगे। मनाहल मान ही नहीं रही। हाँ जी मनाहल ने जी फैसला सुना दिया, कोई इधर ही पढ़ लूंगी। पक्की बात है? हाँ जी। मूड तो नहीं खराब? नहीं तो शुक्र। अरे तुझे क्या जाने करना? पढ़े हो जा रहा है। अरे मार जाके मार के खाने अन्ना ना स्कूल नहीं जाना आपने? इसने वन पी नहीं पढ़ना, इसने इधर ही पढ़ना है अपने स्कूल में। फिजाने भी दी पब्लिक स्कूल, इसने इधर ही पास कर दी है। पास के बाद ये बड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी समझदार हो जाएगी। अब ये छोटी है, गर्मी बहुत होती है, सड़क पे इतना ही रश होता है ना, उधर लड़कों को छुट्टी हो जाती है, उधर लड़कियों को छुट्टी रहती है। तो माशाल्लाह इतनी तादाद में लड़की होती है कि आधा घंटा लगता है लड़कियों को आते आते, मतलब कि इतनी रश होता है उधर। तो ये तो रश में वो फंस जाएगी तो फिर उधर बैठ के रोएगी। वो है भी छोटी, वो है भी छोटी ना, उसकी टांगों में से भाई तैयारी कर रहा है, ये देखे बोला भाई भाई तैयारी कर रहा है भाई। गुड लक, टेन क्लास गुड लक। ठीक है इसका जी मैट्रिक है, अब मैट्रिक वाली क्लास है। इसके पेपर फिर बोर्डिंग होंगे ना पेपर तुम्हारे, इधर मुंह करो फिर बोर्डिंग देर हो रही है। सच में कितनी थोड़ी ना आपने हेलीकॉप्टर या फिर हवाई जहाज पर चढ़ना है। पर बांगा ना दे मैं तेनू छड़दा वा, बांगे दही जा रहा है, दही जा रहा है। छोड़ो छोड़ो बकरे पहले गेट खोलो। वे आ गया मेरे यारा आ गया। ये देखना अब इनके सबसे पहले कुकर निकलेगा, लाल मुर्गी काटो बेगम। चलो मार 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 भीड़ एक भी नहीं करनी। निकल गई सारी। अब इनको डालूंगा दाना, ये इनका थोड़ा सा दाना रह गया, ये देखेंगे बस। ओ शेर आ गया, शेर खान आ गया। शेर खान आ जा भाई जा रहा है। खुदा हाफिज, तुम्हारे पीछे पीछे मैं आता हूँ। निकलो हट निकलो। चलो भाई कैमत वाली घड़ी में जाओ मार खाने के लिए। बाय बाय बाय। पैसे लेने, ये लो 50 रुपए। हेलो हेलो। हाँ जी मनाल ने तैयारी कर ली है, चले फिर जल्दी करें। ये क्या चूड़ियाँ उतार कर रखी हैं? मैं कौन रही है
टाइम से उठी नहीं है। रेहान गाड़ी साफ हो गई है? आप अंदर से करें ना बस, यहाँ से खड़े हो, इधर करें, क्यों नहीं हो रही? ये करें, ये देख इतनी मिट्टी है। हाँ जी, मोटरसाइकिल निकाल लिया बाहर, मेरा फटा हुआ है ना सेंसर, खराब है इसका। मैं खुद चलाऊंगा। चलो बैठे, मैं चलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है, और हाल अहवाल? बच्चे घर में सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। ईद कैसी गुजरी है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है माल का जो। चले जैन चला गया इधर ही अभी? जैन चला गया अच्छा। चले मैं भी जा रहा हूँ, मैंने रेहान को एडमिट करा के आना है स्कूल में, अभी मनाहल को छोड़ के आया हूँ उसके स्कूल में। इरादा तो था अभी मनाहल को भी उधर एक चक में भेज दें, नहीं वो अभी छोटी है, अभी छोटी है क्योंकि सफ़र है थोड़ा ज़्यादा, वो छोटी है अभी, अभी छोटी है। हाँ, एक साल इधर, पाँच महीने का इधर कर ले, फिर उधर ले जाएगा। हाँ चल ठीक है। और जी मौली साहब ठीक हो? रेहान वो लेके आए ना, शनाख्ती कार्ड कापी लेके आए और रिफॉर्म लेके आए, जल्दी लेके आए। मैं यार जा रहा हूँ रेहान अहमद को एडमिट कराने स्कूल में, तो हाई स्कूल चेक नंबर 1 पी जैसा बैठा, ये आ गया जी बेफार्म इसका रेहान का, ये वाला और ये शनाख्ती कार्ड कापी आ गई। तुम्हारी मम्मा नहीं आ रही, चले चेक कर लिए मोटर के कार्ड बाहर, उसको निकालने का ही रेहान जल्दी करें। फिर मैंने वो जनाजे पे जाना नहीं, हमारा दोस्त जो कहता था वो फोटो हो गया था उसके, जल्दी चीज करें उसका जनाजा 10 बजे उधर भी जाना चाहते। चलो बेटा पीछे हो, मैं चलाता हूँ। ये क्या तरीका, चलो मेरा क्या जा रहा है, आराम से गियर लगाते हैं। हम जा रहे हैं, ये हॉस्पिटल चक 1P का, रेहान चला रहा है मोटरसाइकिल आज। अहमद को मैंने इधर स्कूल में बिठा दिया है, पर अभी उन्होंने दाखिल नहीं किया, एडमिट नहीं किया, तो उसका एडमिशन नहीं हुआ। कहते हैं कि पहले सर्टिफिकेट लेके आए, इसका फिर एडमिशन होगा इसका, तो आप जी मैं मेहमान को भेजूँगा क्योंकि वो गर्ल्स स्कूल है, तो वहाँ से वो उनका सर्टिफिकेट लेके आएंगे तो फिर इसका एडमिशन होगा। तो मैं ये इधर क्लिनिक में आया हूँ, यहाँ पर यहाँ से मैंने पट्टी करवाई थी ना, ये पट्टी चेंज करवानी है मैंने हाथ की। ये जी भाई पट्टी उतार रहे हैं उंगली से, ये तो चिपटी हुई है साथ में मेरे को। ये कितनी पट्टियाँ करवानी पड़ेंगी? तीन चार पट्टियाँ करवानी है। दर्द होती है इसको, थोड़ा रहने देना, ये गिली हो जाना अच्छे तरीके से। ये देखें ये जो टांके लगे हुए हैं ना ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टांके ये ऐसे कटी है। ये जी डर से पट्टी का सामान वगैरह आप तैयार कर रहे हैं? कहते ठीक है जख्म माशाल्लाह बेहतर है पहले से। तो माशाल्लाह जी बाहर मेहमान आए हमारे जी, तो बाहर जी अहमद भाई आए जी, अहमद भाई आए जी, बिस्मिल्लाह आए जी, अफजल भाई आए,
अस्सलाम वालेकुम अभी, क्या हाल है? ठीक है। बारिश बड़ी खड़ी है यार, घर ना चले जाते, यहाँ क्यों आते? मैंने कहा यहाँ छुप जाए, बारिश आ रही है। ये अभी करवाएंगे दोबारा। अफजल भाई ये ना अभी सेटिंग करनी है इसकी, क्योंकि ये दीवार बाहर थी ना यहाँ पे, ये नलका, ये मोटर वगैरह ये दीवार के साथ जाएगी, फिर वाशरूम बनाएंगे। अभी जो बजट था वो खत्म हो गया। हाँ जी, हमने इस्तेमाल कर दिया जी, तो घर में जी आए मेहमान अहमद भाई वाले, तो उनके लिए निम्को वगैरह और कुछ बिस्किट वगैरह लेके जा रहा हूँ, सात बच्चे हैं। बेल हमें डालें बिस्किट वगैरह और निम्को शिमको रखें। हाँ ले जाए, आप मोबाइल पकड़ें फिर मैं लेके जाता हूँ। हाँ इनमें डालेंगे। बेगम साहब ले आए देबो, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिस चीज का सोचा था वही आ रही है। कोक आ रही है जी। काले वाले। ये बर्फ डाली है। हाँ जी, बहुत वो बोतल ना बाहर पड़ी हुई, गले खराब है सबके, फ्रिज में रखी नहीं थी, बच्चे पी लेते हैं फिर वो ना गले खराब हो जाते हैं। खाते हैं और पीते हैं, साथ में बिस्किट भी आ गए, साथ में निम्को भी आ गई, निम्को भी आ गई, साथ में बिस्किट भी आ गए। बेबो ये बिस्किट और निम्को आपके लिए, आपके बाबा कहते थे कि हमने नहीं खानी, आप खाओगे? आप खाओगे, ठीक है। हाँ जी, चला जी उठाओ। हाँ उठाएं उठाएं। भाभी के लगा के भी ला के रखे वो निम्को बिस्कुट। अहमद भाई माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है हमें, आप आए हैं साथ में, अफजल भाई हैं, भाभी हैं और बड़ी भाभी हैं, ये माँ बेटी हैं, हम दोनों को भाभी कहेंगे। सही है, हम तो दोनों को भाभी कहेंगे। भाई कहते हैं अफजल भाई, अहमद भाई और सबा भाभी, इनका नाम भी है भाभी का, रुखसाना भाभी। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई भाभी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे घर को, आपने इज्जत बख्शी है। कोई मसला नहीं है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा घर बनवा लिया, अल्लाह पाक नसीब करे। हां जी, जैसे मजीद आप चीजें बनवाते रहे, हम आते रहे, और इंशाल्लाह बस आप दुआ करते रहे। बनने से अच्छे नहीं होते, घर में बहन भाई के आने से घर अच्छे होते। बिल्कुल घर अच्छा हो, खूबसूरत हो, बहन भाई ना आए तो फिर अच्छे, बहन भाई आए बैठे बिस्किट खाए बड़ा अच्छा लगता है। हां जी हां जी, ये हर दिन अपना नसीब खाता है, कोई किसी का कुछ नहीं खा जाता। हाँ जी, अपना नसीब खाता है हर कोई। मैंने इधर सबको बोला, मैंने कहा चले उधर, मुझे लगता है कोई ना कोई नसीब उधर बचा हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा क्या, मैंने कहा चलो तो सही यार, आ गए तो देखो आ गया नसीब। हाँ जी, ये बात है, जब भी कोई घर में मेहमान आता है ना, उसका नसीब उससे पहले पहुंचा हुआ होता है। बिल्कुल ऐसे, ये जो बोल रहे हैं ना, ये आप ईद पे लेके आए थे, तो ये आपका नसीब पहुंचा हुआ था, आप आ गए, आपने पी ली, हमारी किस्मत में होती है, हम खोल के पी लेते। पी लेते, बिल्कुल चलो थम, बिल्कुल। और अहमद भाई आप खाना शाना नहीं खा के जाएंगे, ऐसे जा रहे हैं? खाना जो है ना, समझ रहे, हमने खा लिया जो नसीब में था वो खा लिया। हाँ, नसीब में था, नसीब में बहुत कुछ है, अगर बैठेंगे तो फिर शाम तक चलता रहेगा नसीब। तो फिर
जिद करने वाली बात है। जिद नहीं, जिद करके बैठ जाए शाम तक हम खाते रहे। तो अभी हमने घर में मंगवाई है सब्जी, वो लेने गया था। अच्छा, तो हम फिर इधर चले गए, अभी वो लेके आ गया, अभी जाते हैं काटते हैं बनाते हैं। ठीक है भाभी, सुनाए आपको हमारा घर कैसा लगा? माशाल्लाह भाई बहुत प्यारा लगा। किचन भी आपने अंदर जाके तो देखा नहीं है, किचन हमारा अंदर जाके देखे, किचन में हमने जो बाहर खड़ी होके अंदर से देख लेते हैं। देखें इसकी आंखों में दूध भी लगे ना जी, देखें जी। बताएं वो मेरी तरफ देख के बनाया ना आपने? सही सही बताना अहमद भाई, ये मैं परसों बना रहा था, मुझे कहते हैं यार ये ना माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा यार जो काम साथ साथ होता जाए ना वो बहुत अच्छा है। मैंने ये इधर लगा लिया है, ये बना लिया, ये जो अभी वो कचरा पड़ा ना ईंटों का, ये सारे मैंने बार बार ऐसे लगा देना है। मैं लगाना है वो जो कचरा पड़ा है ना, मैंने कहा ये सारा ना आगे लगा देना है। हाँ, फ्रंट पे हो, साफ सुथरी सड़क हो ना सामने से, जब वो वहाँ से शुरू होती है ना यहाँ तक हमारी सड़क साफ जाती है। हाँ, साफ जाती है। तो साफ सड़क हो तो फिर अच्छा लगता है। जैसे ये देखें ये मकान बनाया, कितना खूबसूरत मकान बनाया, सामने देख ले कचरा देख ले, हमने इधर देख ले साफ करके इसको एक जैसा कर दिया है, ये अब कचरा हमने उठाना। हाँ जी उधर तक साफ है आगे।